जब कोई इंसान आपको धोखा दे तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कोई इंसान, कोई आपका दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड है ना, कोई लड़का कोई लड़की या कोई भी पर्सन जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते थे, आपने ये नहीं सोचा था कि जो सामने वाला इंसान है वो आपको कभी चीट करेगा, कभी धोखा देगा, उस पे आप इतना ट्रस्ट करते थे, इतना भरोसा करते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ यार कि वो इंसान आपको धोखा दे दिया, आपको चीट किया, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब कोई इंसान आपको धोखा दे तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मतलब कि कोई इंसान, कोई आपका दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड है ना, कोई लड़का कोई लड़की या कोई भी पर्सन जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते थे, आपने ये नहीं सोचा था कि जो सामने वाला इंसान है वो आपको कभी चीट करेगा, कभी धोखा देगा, उस पे आप इतना ट्रस्ट करते थे, इतना भरोसा करते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ यार कि वो इंसान आपको धोखा दे दिया, आपको चीट किया, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ये वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, हमारे लाइफ में ना कभी ऐसा सिचुएशन जरूर आता है कि किसी इंसान पे हम जितना भरोसा करते हैं, चाहे कोई दोस्त हो सकता है, कोई लड़का कोई लड़की है ना, कोई गर्लफ्रेंड कोई बॉयफ्रेंड, कोई भी पर्सन जिस पे हमको बहुत भरोसा था, बहुत ट्रस्ट था, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो इंसान ना हमारे पीछे हमें वो धोखा दे देता है, हम चीट कर देता है। तो यार ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ समझ नहीं आता है। क्योंकि यार देखो, धोखा जो मिलने वाली बात है ना, या धोखा खाने वाली जो चीज़ है, वो लगभग दुनिया का हर इंसान कभी ना कभी जरूर धोखा खाया होगा, उसको कभी ना कभी जरूर धोखा मिला होगा, चाहे किसी प्रकार का हो सकता है। कोई दोस्त भी धोखा दे सकता है हमें, है ना, हमारा दोस्त कोई है, उसको हम बहुत अपना मानते हैं, उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, उसको भाई जैसा मानते हैं, उसको बहन जैसा मानते हैं, मतलब एक अच्छा फ्रेंडशिप है ना। क्योंकि फैमिली के बाद कोई अगर दूसरा नंबर पे कोई और रिश्ता आता है तो वह दोस्ती, वह फ्रेंडशिप। अब जो मेरा फ्रेंड है उस पर हम बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, उस पर भरोसा करके उससे बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं, वो इंसान ना हमें बहुत धोखा दे दिया, हमें चीट कर दिया है ना, हमारे भरोसा को तोड़ दिया, चाहे कोई लड़का हो सकता है, चाहे कोई लड़की। अब भरोसा टूटना यार एक मजाक चीज़ नहीं है। हम लोग ना खास करके लड़के बहुत इजी में लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, है ना, चलो रहने दो, कोई बात नहीं, चलता है, क्या दिक्कत है, लड़की धोखा दे कोई बात नहीं है, थोड़ा बुरा लगता है, लड़का धोखा दे कोई बात नहीं, चलता है। नहीं यार, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। देखो, धोखा मिलना ना जितना बुरा नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा बुरा है कि आप इसको लाइटली ले रहे हो, आप इसको एकदम हल्का में ले रहे हो। इसको ना आपको हल्का में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक लाइफ लेसन है। जैसे ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, ज़िंदगी में हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है, खुद गिर के, खुद चोट खा के, खुद धोखा खा के। वैसे ही यार ये जो धोखा खाना है, कोई इंसान आपको धोखा दे दिया, आपके भरोसा को तोड़ दिया, चाहे कोई भी पर्सन हो और आप इसको लाइटली ले रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। लाइटली नहीं लेना चाहिए, इससे आप ना एक लर्निंग लो, एक सीख लो कि नेक्स्ट टाइम आप किसी भी इंसान पर भरोसा सोच समझ के करना। दूसरी चीज़ कि कुछ भी अपनी बात, कुछ भी ऐसी प्राइवेसी, कुछ भी ऐसी पर्सनल बात किसी भी इंसान से शेयर मत करना, क्योंकि कोई भी इंसान बदल सकता है, ये आपको सीख मिला ना। तीसरी चीज़ कि जो इंसान आपको धोखा दिया, जो इंसान आपको चीट किया, ठीक है, चाहे कोई भी हो, लड़का लड़की कोई भी पर्सन, उस पर दोबारा ट्रस्ट मत करो यार। ये भी आपको ना सबसे बड़ा लेसन मिल गया, क्योंकि आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जो आपको धोखा दे चुका है, आपके भरोसा को तोड़ चुका है। फिर उस इंसान के साथ रहोगे, फिर उस इंसान से बात करोगे, उसी को कॉल करोगे, उसी के साथ घूमोगे, फिरोगे, उसी के साथ रिलेशन में रहोगे, तो ये तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। या भाई, तो हो सकता है वो इंसान सुधर जाएगा, वो इंसान बदल जाएगा। नहीं यार, किसी भी इंसान की नीयत और फितरत कभी नहीं बदलती है। और अगर रह भी रहे हो तो पूरा अलर्ट रहना, अगर किसी रीज़न की वजह से आपकी मजबूरी है, आप रह ही नहीं सकते, पहले चीज़ के तो आप छोड़ दो, हो सकता है तो उस इंसान को हटा दो अपनी लाइफ से जो ऐसा किया है, ऐसा की है, चाहे कोई भी पर्सन हो, क्योंकि धोखा का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है, उसको हटा देना चाहिए उस इंसान को लाइफ से। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से आप रह ही रहे हो, तो उसके साथ ना सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी, जितना ज़रूरी है उतना ही उस इंसान से शेयर करो बात, उतना ही बात करो, उतना ही अपने बारे में बताओ, बस दैट्स इट। ये नहीं यार कि आप उस इंसान से फिर से 2-10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना दिन के बाद फिर से उसी पे वैसे ट्रस्ट करने लगे, भरोसा करने लगे, है ना, सब कुछ बता रहे हैं अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो यार फिर आप गड्ढा में गिरने वाले हो, फिर वो इंसान आपको हर्ट करने वाला, फिर आपको धोखा देने वाला है। बात को समझो यार, क्योंकि कोई इंसान जब आपको धोखा देता है ना, तो आप एक चीज़ याद रखना कि वो इंसान आपको एक बहुत ही अच्छा सीख दिया है लाइफ का, कि आप किसी भी इंसान पे सोच समझ के ट्रस्ट करो, भरोसा करो, आपका जो दिमाग है वो खुले। क्योंकि बहुत लोग ना बच्चे जैसा हरकत करते हैं, उनकी मैच्योरिटी बहुत डाउन होती है, लो ग्रेड की होती है ना समझदारी, वो किसी से कुछ भी बात बोल दे रहे हैं, सबसे अपनी बात शेयर करते चल रहे हैं, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है, किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है, और किस पे कितना ट्रस्ट करना है, ये सब कुछ भी आपके लाइफ में कैलकुलेटेड होना चाहिए। ये सब कुछ आपको ना धोखा सिखाता है। धोखा मिलना बहुत ज़रूरी है यार, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको लाइफ में कभी कोई इंसान चीट नहीं किया, आपको धोखा नहीं दिया है, तो फिर आप मैच्योर नहीं हो, फिर आपके अंडरस्टैंडिंग में बहुत गहराई नहीं है, आपकी समझ उतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि आपको चीट नहीं मिलेगा तो फिर आप ना क्या करोगे ना, सब पे भरोसा करोगे, सबको अच्छा मानोगे, ये भी अच्छा वो भी अच्छा, सब कोई अच्छे हैं, बट रियलिटी ये नहीं है यार, दुनिया में सब कोई अच्छा कहाँ है, सब कोई अच्छा नहीं है ना, ये वक्त पे पता चलता है। तो अभी आपके साथ पता चल गया कि कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन इंसान सही नहीं है। कुछ लोग हमारे लाइफ में होते हैं जिनको मौका तो मिलता है हमें चीट करने का, हमें धोखा देने का, बट वो नहीं देते हैं, उस मौका का फ़ायदा नहीं उठाते हैं।
क्योंकि उनके अंदर ना वो गट्स होता है, वो अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है कि हमें ये रास्ता चुनना है, ये रास्ता चुनना है, हमें इस इंसान के भरोसा को तोड़ना है या नहीं तोड़ना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हमारे लाइफ में होते हैं जिनको अगर एक बार मौका मिले ना तो वो हमें धोखा दे देंगे, वो हमें चीट कर देंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस क्या, हमको कैसा लगेगा, कुछ नहीं। और ये बहुत ज़्यादा केस में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको एक बार अगर मौका मिला तो वो धोखा दे ही देते हैं, चीट कर ही देते हैं। मैं सबकी नहीं बात कर रहा, बट ज़्यादातर लोग ऐसा होते हैं यार, अपने लाइफ में आप देखते होंगे, आपका दोस्त भी कभी कभी आपसे झूठ बोल देता होगा, है ना, आपको धोखा दे देता होगा किसी भी बात, किसी भी मोमेंट, किसी भी चीज़ को लेके, लड़की लड़का कोई भी पर्सन मौका मिला धोखा दे दिए। लेकिन सच्चे इंसान की परख तब है यार, कोई इंसान आपके लिए सही है जिसको मौका मिला था आपको धोखा देने के लिए, लेकिन वो इंसान आपको चीटने की, आपको धोखा नहीं दिया, ठीक है। अगर ऐसा कोई लोग है तब तो ठीक है, वो इंसान आपके लाइफ के लिए अच्छा है, उसके साथ आप रिश्ता रिलेशन रख सकते हो, आपका रिश्ता गहरा हो गया, पक्का हो गया कि वो सही इंसान है। बट जो इंसान आपको चीट कर दिया उस पर आपको ना दोबारा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इससे आपको सीख लेना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्त या फ्रेंड, उनको वीडियो जरूर दिखाओ, ठीक है। और अगर आपके लाइफ से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जिसको फेस करो तो मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जाओ और आप उसको देखो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो फिर आज के लिए नहीं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।